हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। हमारा हॉस्पिटल महाराष्ट्र में है, अकोला में, जहाँ हम मनोरुग्णों को और व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। और वैसे दूसरा हॉस्पिटल अकोला में है, जहाँ हम रिश्तेदारों के अलावा मनोरुग्णों को और व्यसनी लोगों को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। मेरे पास में काफी लोग काउंसिलिंग के लिए आते हैं, काफी कपल्स आते हैं, पति पत्नी, और वो आपस में जमता नहीं करके आते रहते हैं। हालांकि पिछले कई हजार वर्षों से शादियां हो रही है, मतलब ह्यूमन बीइंग जब से पैदा हुआ तब से लोग अपोजिट सेक्स के साथ साथ में रह रहे हैं। शादी का ये जो इंस्टीट्यूट है, शादी की संस्था जो है, मैरिज इंस्टीट्यूशन, ये पता नहीं 10,000 साल से चालू है। और शादी में साथ साथ रहते हैं, शादी करने का उद्देश्य रहता है कि मैं एक दूसरे को सपोर्ट करूं, एक दूसरे की जो नीड है वो पूरी करूं, फिर खाने की नीड हो, सेक्स की नीड हो वो पूरी करूं, और प्रोक्रिएट करूं, नया जनरेशन पैदा करूं। मगर होता क्या है कि शादी के पहले रिश्ता अच्छा अच्छा लगने लगता है, स्पेशली जब लव अफेयर होता है, लव मैरिज होता है, तो शादी के पहले या शादी के बाद में साल भर तक जो व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति मतलब वो पत्नी और वो पति, शादी के एक साल बाद में वैसे रहते नहीं है। अब शादी में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इकट्ठा रहने में, एक साथ रहने में, कि लोग तो अभी बोलते कि रिलेशनशिप का लोगों ने ऑल्टरनेटिव ढूंढा हुआ है, तो ये शादी करना है नहीं, रिलेशनशिप में रहो, जितने दिन रहना उतने दिन रहो और बाद में फिर अलग हो जाओ। मगर वो इतना हमारे देश में आया नहीं है। बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, यहाँ हो सकता है, मगर बाकी जगह इतना नहीं है। बाकी जगह तो लोग शादी करके रहते हैं। मगर होता क्या है कि शादी के एक साल बाद तक, मतलब शादी के एक साल तक रिश्ता अच्छा रहता है, और बाद में तुरंत ही कुछ ना कुछ अनबन चालू हो जाती है। हर एक को लगता है कि वो शादी के पहले या शादी के बाद में जो था वैसा आदमी नहीं रहा, मेरा पति वैसा नहीं है, मेरी पत्नी वैसी नहीं है। पति को लगता है कि मैं घर जाने के बाद में उसने मेरा मान सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उसने मेरे को सब रेडीमेड देना चाहिए, क्योंकि मैं बाहर कमाता हूँ, बाहर जाता हूँ, सब तान तनाव लेता हूँ। और पत्नी को लगता है कि मैं दिन भर में घर में रहती हूँ, बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, घर में खाना पकाती हूँ, घर का सब देखती हूँ, तो मेरे पति ने मुझे समझ के लेना चाहिए। कहीं कहीं तो तनाव मतलब इतनी छोटी बात के ऊपर रहता है कि तीसरे आदमी को ऐसा लगता है कि ये तनाव है क्यों, मतलब इतना झगड़ा करते क्यों है, समझ में नहीं आता। इतनी छोटी छोटी बात रहती है, उसके ऊपर तनाव रहता है। शादी के बाद में अपेक्षाएं बहुत रहती है, और अपेक्षाएं बोल के नहीं बताते, समझो। अपेक्षा जो है वो बोल के बता दिया कि मेरी अपेक्षा ऐसी ऐसी है तो आदमी पूरी करेगा। पत्नी को लगता है कि मेरी अपेक्षा है मेरे पति ने समझ के लेना चाहिए, और पति को लगता है कि पत्नी ने मेरी अपेक्षा जो है वो समझ के लेना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इतना आउटपुट आ रहा है, मतलब दिमाग में इतना जा रहा है, अंदर इनपुट इतना जा रहा है, लोग उसमें बिजी है। बाहर क्या चालू है बहुत ही उसका इनपुट आते जा रहा है, इन्फॉर्मेशन आते जा रही है, वहां से मनोरंजन भी होता जा रहा है, और घर में रहने के बाद में, एक साथ रहने के बाद में भी लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। अमेरिका में रहने वाला मेरा दोस्त है, उसको खांसी आ गई तो वो मुझे जल्दी मालूम पड़ता है, मगर मेरे पत्नी को कुछ बीमारी है, या मेरे घर में माँ को बीमारी है, या मेरे दादी को और दादा को बीमारी, मुझे मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे नहीं है। तो शादियां टूटते जा रही है, और जबरदस्ती फिर एक तो डाइवोर्स तक चले जाता है, और नहीं तो फिर बच्चों के लिए एक छत के नीचे लोग मेंटली डाइवोर्स करके रह रहे हैं, कि मेंटल डाइवोर्स है, ऑलरेडी हो चुका है, मगर अभी बच्चों के लिए साथ में रह रहे, ऐसा भी होता है। शादी खुशी के लिए की जाती है, मगर शादी के बाद में दुख ज्यादा मिलना शुरू होता है, क्योंकि अपेक्षाएं ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपेक्षा है, डिमांडिंग ज्यादा है। और होता यह है कि समझो लड़की पढ़ी लिखी है, पत्नी पढ़ी लिखी है, और वो पढ़ी लिखी लड़की यदि शादी करके यहाँ आ गई है तो उसको ऐसा लगता है कि अपना एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, अपने को दबाया जा रहा है, मतलब सप्रेस्ड हो गई हूँ, मेरा जो टैलेंट है उसकी कीमत नहीं हो रही है, मुझे तो कुछ करने नहीं मिल रहा है, मैं तो घर घर में बैठी हूँ,
जितना एक्सप्रेशन चाहिए उतना एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो वो डिप्रेस हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की शादी के बाद में जब आती है तो वो अपने पति की तुलना, मतलब प्रॉब्लम कहाँ थे, पति की तुलना अपने पिताजी के साथ में करती है। उसको उसके पिताजी अपने पति के रूप में देखते, मतलब वो कंपैरिजन करते थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे पिताजी वैसे थे, और वो उसको आदत रहती है, हैबिचुअल हो जाते पिताजी के स्वभाव के साथ में, और वो यदि उसको हस्बैंड में दिखा नहीं तो प्रॉब्लम आ जाता है। वो अपनी माँ की तुलना अपने सास के साथ में करते रहती है और उसमें उसका प्रॉब्लम आते रहता है कि माँ मेरी ऐसी थी, माँ ऐसी थी और वो सास ऐसी होना चाहिए। सास जो है वो अपनी बहू की तुलना अपने बेटी के साथ में करती है कि मेरी बेटी ऐसी है, बहू ऐसी होना चाहिए। और पति है तो पति अपनी तुलना, अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ के साथ में करते रहता है, हर समय कंपैरिजन चालू रहता है, और वो कंपैरिजन में अपेक्षा पूरी होती नहीं है, और फिर झंझट छोटी छोटी बात के ऊपर तुलना करते वक्त मतलब प्रॉब्लम आते रहते हैं। अब इसमें करना क्या है? जैसे मैंने बताया कि शादी करते लोग खुशी के लिए करते हैं, अपना वंश आगे बढ़ना चाहिए इसलिए शादी करते हैं, एक दूसरे की नीड पूरी करना है इसलिए शादी करते हैं, सपोर्ट एक दूसरे को होना चाहिए इसलिए शादी करते हैं, मतलब ये तो बाजू में रह जाता है, और फिर दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे को पूछने तक समय नहीं मिलता। स्पेशली यदि बड़े बड़े शहरों में हम देखें तो बड़े शहरों में दोनों भी यदि काम करते रहे और दोनों भी काम को जा रहे बाहर, घर के बाहर, दोनों भी 7 बजे 8 बजे घर के बाहर जा रहे, रात को 8 9 बजे 10 बजे वापस आ रहे, तो दोनों की मुलाकात सिर्फ रात को हो जाती है बेड के ऊपर, और फिर वो भी रिश्ता धीरे धीरे कम हो जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप कम हो जाती है, थक जाते हैं, बहुत टेंशन है, काम का टेंशन है, और वो भी वहां से भी एक दूसरे से हट जाते हैं। एक अभी मेरे पास में व्यक्ति आया था, वो पुणे का है और बड़े कंपनी में काम कर रहा है, वो दोनों भी मियां बीवी काम कर रहे, पति पत्नी काम कर रहे, 2 साल का लड़का है और उनको उसको केयर टेकर के हवाले करना पड़ता है क्योंकि दोनों भी काम पे है, और इसलिए दोनों का मतलब दोनों को तनाव आ रहा है, दोनों को गिल्ट फीलिंग हो रहा है, और फिर उसके ऊपर दोनों का झगड़ा चालू है। पति बोलता है पत्नी को कि तू अभी सर्विस मत कर, घर में रह, बच्चों को हम लोगों के हवाले करते हैं तो बच्चे को अपन पालन पोषण करेंगे, बच्चे का केयर टेकर के पास में क्यों रखना है। तो बोलते नहीं मेरा करियर है, मुझे तो करियर करना ही है, बच्चे के लिए मैं कैसा, जैसा मेरा बच्चा वैसा तुम्हारा भी बच्चा है, तुम भी फिर घर पे बैठो, मैं काम करती हूँ आप घर पे बैठो, मतलब ऐसा झगड़ा है। और उसकी वजह से उसको डिप्रेशन आया कि भाई मैं मेरे बच्चे को पूरा नहीं दे रहा हूं, मेरे बच्चों को केयर टेकर के पास में रखा हुआ है, और उसको अपराधीपन की भावना आ रही है। तो इसका इफेक्ट फिर बच्चों के ऊपर हो रहा, बच्चे माँ बाप का झगड़ा देख रहे, और उसमें फिर टेंशन यदि आ रहा है तो टेंशन के लिए फिर कोई ड्रिंक्स लेना, बियर लेना, और फिर बियर लेते लेते फिर हार्ड ड्रिंक्स के ऊपर भी चले जाना, और सिर्फ ऐसे नहीं कि पति लेता है, पत्नी भी मतलब लड़की भी लेना चालू कर देती, उसको भी टेंशन है, दोनों भी साथ में लेते और दोनों भी एडिक्ट हो जाते। तो महिलाओं में अभी एडिक्शन का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली महानगरों में, कि जहां टेंशन है, तनाव है, और उसके वजह से फिर लोग ड्रिंक्स लेना चालू कर देते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और फिर उसके वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो आती है। जब मेरे पास में काउंसिलिंग के लोग आते हैं तो उनको काउंसिलिंग में साथ में बिठा के सेशन करता हूँ, यहाँ आते हैं तो उनको साथ में बैठा के करता हूँ, या फिर बाहर से जो है, बाहर दूर से है तो उनको फोन के ऊपर मैं काउंसिलिंग करते रहता हूँ। फोन के ऊपर हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं या फिर डायरेक्ट 1-to-1 फोन होता है, और उसमें फिर हम काउंसिलिंग करते हैं। उसमें एक ही बात हम बताते हैं कि भाई एक दूसरे को समझ के लो, हम लिसन नहीं करते, सुनते नहीं एक दूसरे को, अपने ही लगाते, मेरी आवाज सुनो, हर व्यक्ति बोलता है कि मेरी आवाज सुनो, मैं जैसा बोलता हूं ऐसा करो, और हर एक व्यक्ति मतलब पति या पत्नी एक दूसरे को डोमिनेट करने लगता है, एक दूसरे को गलत ठहराने लगता है। तो गलत ठहराना, डोमिनेट करना, एक दूसरे के बारे में शिकायत करना, एक दूसरे की गलतियां निकालना और झगड़ते रहना, इसके बदले एक दूसरे को समझ लेना, और जैसा है पति जैसा है वैसा, या पत्नी जैसी है वैसी, उसका स्वीकार करना, उसके सब गुण और दुर्गुण के साथ में, क्योंकि परफेक्ट पत्नी या परफेक्ट पति मिलने वाला है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। लोग डाइवोर्स लेते हैं और फिर दूसरी शादी करते हैं, दूसरी शादी करने के बाद में मालूम पड़ता है कि अभी दूसरी पत्नी जो आई
उसमें अलग दुर्गुण है, भले ही पहले पत्नी के नहीं है मगर अभी उसके अलग दुर्गुण है। लगता है कि पहली पत्नी अच्छी थी और उसके दुर्गुण चलते थे, या वैसे ही पत्नी का होता है कि पहला पति अच्छा था, उसमें जो दुर्गुण थे वो भी दूसरे पति में नहीं है मगर भी दूसरे पति में दूसरे दुर्गुण है जो अपने को नहीं चाहिए। तो डाइवोर्स लेना ये उसका इलाज नहीं है, या अलग रहना उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की केयर करना, और यह समझ के चलना है कि अपने को दो दो कदम पीछे आना पड़ेगा हर बात के ऊपर, तभी शांति हो सकती है। एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करना, जैसा है वैसा है उसका स्वीकार करना, गलतियां नहीं निकालना, और एक दूसरे को क्या चाहिए उसके लिए खड़े रहना। यदि हम करते हैं तो डेफिनेटली रिश्ता जो है पति पत्नी का उसमें कमाल का फायदा फर्क दिखेगा और एक्चुअली सुखी जीवन हो सकता है। मैं लोगों को ये बोलता हूं कि भाई विजुअलाइजेशन करो, स्वसम्मोहन करो, सेल्फ हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस करके खुद को सूचनाएं दो, अपने अंतर्मन को सूचनाएं देना और सूचनाएं देके विजुअलाइज करो क्या क्या गलतियां कोई कर रहा है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, और उसकी जवाबदारी लो। जो भी हो रहा है घर में, जो भी अनबन हो रही है, उसकी जवाबदारी खुद में लेना, उसके लिए दोष नहीं देना, और जवाबदारी लेके वहां मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया तो ये समस्या जो उसका हल हो जाएगा ये देखना, और दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है उसका विजुअलाइजेशन, चिंतन करना, चिंता के बदले चिंतन करेंगे तो अच्छा होता है, तो चिंतन करना, सोचना ये रिश्ते में मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मेरे तरफ से मैं क्या करूं कि जिसकी वजह से रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ये हर एक ने देखना। यदि करते रहे तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मेरे पास में कपल आया था, उनका इतनी छोटे बात के ऊपर मतलब झगड़ा हो रहा है कि भाई वो उसकी पत्नी बाहर से कहीं से तभी आई, उसका पति, उसके माँ और उसके पिताजी ऐसे घर में तीन बैठे हुए, वो बाहर से आई और वो तीनों बातें कर रहे थे, उसको लगा कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब मेरे बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअली सच्ची उसके बारे में बात कर रहे थे, मतलब मेरे उसके बारे में क्यों बात कर रहे थे, मतलब क्या बात कर रहे थे, ये कहां गई है, ये कब आने वाले, ऐसी बात कर रहे थे, उसको लगा कि मेरे बारे में मतलब उसके भी खिलाफ बात कर रहे, और उसके ऊपर से उसने झगड़ा चालू कर दिया, या मेरे को यहां ये घर में कीमत ही नहीं है, मुझे मेरी सास जो है वो सुबह खाना पकाने देती नहीं, वो खुद ही खाना पकाती है और मुझे पकाने देती नहीं है, मुझे बोलती नहीं तू मत कर मैं करती हूं, मतलब ऐसे कुछ भी छोटी छोटी बात रहती है उसके ऊपर उनका झगड़ा चालू हो जाता है, और फिर चुपचाप बैठना, बातें नहीं करना। तो मैं काउंसिलिंग में ये बताता हूं कि कुछ भी झगड़ा हो गया पति पत्नी का, तभी कम्युनिकेशन बंद करने का नहीं है, संवाद बंद करने का नहीं है। मैं हरदम बोलता हूं कि ए बी सी मतलब ऑलवेज बी इन कम्युनिकेशन, हरदम कम्युनिकेशन में रहना है, कितना भी गुस्सा आ गया तो। क्यों होता क्या है, पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो बात करना पहले बंद कर डालते, बात नहीं करते, बात नहीं किया तो फिर दरी जो है, गैप जो है ज्यादा बढ़ते जाती है। तो कितना भी अपसेट हुआ, कितना भी गुस्सा आया, कितना भी झगड़ा हुआ, तो पहला जो करना है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये कि बात चालू रखने का है, क्योंकि बात जब चालू रखेंगे, संवाद चालू रखेंगे तो विसंवाद कम होगा, संवाद चालू रखेंगे तो वाद विवाद कम होगा। तो संवाद चालू रखने का है, अपेक्षाएं किसी को बोलने की है, और जैसा है वैसा उसका स्वीकार करना। यदि बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे को समझ के लेंगे तो वैवाहिक जीवन जो है बहुत खुशी का रहेगा। आपके संपर्क में ऐसे आने वाले काफी सारे कपल्स होंगे कि जिनका आपस में कुछ ना कुछ अनबन हो रहा है, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो, उनको फायदा होगा। आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।